वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद योर सेकेंड चैप्टर इन योर सिविक्स बुक संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म को हम पढ़ेंगे। ओपन योर सिविक्स बुक चैप्टर नंबर 2, संघवाद। संघवाद क्या है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपने पिछली बार पढ़ी थी स्टोरी बेल्जियम और श्रीलंका की। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके पावर्स को कम किया गया था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको ज़्यादा राइट दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, यानी कि जब ये सिस्टम हुआ उससे पहले भी बेल्जियम में जो है प्रांतीय सरकारें होती थी और तब भी उनकी अपनी भूमिका होती थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर दिया गया था, इनको अपने अधिकार खुद ही देख लिए गए थे, यानी कि सरकार कभी इनको वापस नहीं ले सकती थी सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, यानी कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए और उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग रखा गया। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली, यानी कि वहाँ पे किसी एक लेवल पे, यानी कि एक पूरे कंट्री को एक ही सरकार गवर्न नहीं करेगी बल्कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकारें जो है काम करेंगी। ठीक है, श्रीलंका में इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संघीय शासन कहते हैं, यानी कि जहाँ पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकार काम करती है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे जो है देश की सरकार को चलाती है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। देखो, संघीय व्यवस्था में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है और उसी की जो अलग अलग डिविजन्स होती हैं, सारी पावर उन्हीं लोगों के पास जो है एकत्रित हो जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, लेकिन संघीय सरकार में क्या होता है, दो लेवल पर सरकार काम करती है। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल के सारे डिसीजंस लेती है। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, अपने लेवल पे जो उनको डे टू डे बेसिस पे जो चीज़ें करनी होती हैं उनके बारे में वो सारे डिसीजन खुद लेती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। एकात्मक में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है, चाहे वो सेंट्रल का है, नेशनल लेवल का है, चाहे वो जो है स्टेट लेवल का है। लेकिन संघीय शासन में क्या हो जाता है, स्टेट लेवल जो है अपने रोजमर्रा के कामों के बारे में डिसीजन ले सकती है, लॉज बना सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिसीजन लेती है। ठीक है, इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वे केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आंसरेबिलिटी नहीं होती कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके रिप्लाई दें। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, आपको पता लग गया, सेंट्रल लेवल पर होती है और एक स्टेट लेवल पर होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि नेशनल लेवल पे जो चीज़ें होंगी उनके डिसीजन नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी, स्टेट लेवल के डिसीजन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। ठीक है, जो हमारा संविधान होता है वहाँ उसमें जो है क्लियरली ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक तरह की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई भी सरकार उसको जो है अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार को
की सहमति से ही होता है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों जब सहमत होंगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है, यानी कि अगर कंफ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसको कौन रिजोल्व करेगा, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी वो। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं, यानी कि उनको पैसा कहाँ से मिलेगा इसके लिए भी अलग अलग सोर्सेज जो है डिफाइन है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, ठीक है, कि सत्ता को किस किस तरीके से बांटा जाएगा उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि ये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, ठीक है। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक देश में जिस तरह का संघीय व्यवस्था है दूसरे देश में भी उसी तरीके का। किसी देश में दो लेवल पे जो है सरकार चल सकती है, किसी में तीन लेवल पे हो सकती है। इंडिया में जैसे थ्री टीयर गवर्नमेंट है, पहले नेशनल लेवल पे आती है, फिर स्टेट लेवल पे आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है आपकी जिसको पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, यानी कि दो स्वतंत्र राष्ट्रों को मिला के हमने एक राष्ट्र बना दिया। इसमें दोनों राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जैसे हमारा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो छोटे छोटे स्टेट से मिलके बना है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा वो लोग जो ये प्रांतीय सरकारें हैं वो ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, यानी कि कोई कंट्री अगर बहुत बड़ी है तो वो क्या करेगी, राज्यों का गठन करेगी और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देगी। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वर्कर्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती हैं, ठीक है। ऐसे देशों में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है, पर अक्सर इन व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, यानी कि जनरली सारे जितने भी स्टेट्स होती हैं कंट्री में सबको समान अधिकार देते हैं, लेकिन किसी किसी केस में किसी स्टेट को कुछ स्पेशल राइट्स भी दे दिए जाते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था, हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। देखो बेल्जियम और श्रीलंका तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन सोचिए भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा जहाँ बहुत सी भाषाओं धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, आइए संविधान से ही शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया का पार्टीशन हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग मारकाट हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक है। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ज़्यादातर जो है वो इंडिया के साथ आ गई। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर संघीय भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है, यानी कि फेडरलिज्म के बेस पे ही हमने अपने जो है कंट्री का जो है स्थापना करी है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन सात विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें, तो इंडिया में भी ऐसे ही है, ठीक है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करती है। बाद में
हमारे लोकल गवर्नमेंट होती है जिसमें नगर पालिका आ जाती है और पंचायतें आ जाती हैं, इसको हम थर्ड टीयर बोलते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह आपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, जो स्टेट लेवल पे उसके अपने अधिकार हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अपने राइट्स हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया है, देख लेते हैं हम। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले सेंटर के पास देखते हैं हम। बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विशेष हैं, ठीक है। ये सारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, ठीक है। ये सारे जो विषय हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके बारे में जो है कानूनों को बना सकती है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसी प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आ जाते हैं, ठीक है। अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, इन सब के बारे में जो है कानून भी बना सकती है और अपना डिसीजन खुद ले सकती है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्प में आती है, यानी कि इन दोनों में दोनों ही जो सेंट्रल और स्टेट दोनों का इंटरफेयर रहता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को भी है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें दोनों ही सरकारें मिलकर जो है कानून बनाती हैं, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मान लो कि दो किसी भी इन टॉपिक्स में से किसी भी जैसे गोद लेना है, मजदूर संघ, विवाह, ये सब है, तो अगर कोई भी दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं और दोनों के बीच में टकराव हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जो भी विषय रह गए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स रह गए, वो सब इसके पास चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बने अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर के अधिकार नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, जो कि अब खत्म हो गया, आपको पता होगा, ठीक है। इस राज्य में विधान, लेकिन ये पहले होता था इसलिए आप इसको समझ लें, इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता, यानी कि पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर में एक साल पहले का जो समय था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि भारतीय संविधान में कोई भी चेंजेस होते थे तो वो उनको एप्लीकेबल कब कराया जाता था, जब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो उसको पारित करती थी तब। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ जमीन नहीं या मकान नहीं खरीद सकता था, ठीक है। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि सब कुछ ऐसे स्टेट्स में इनको स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कुछ जो है शहर कह लो या इलाके कह लो जिनको ना तो हम स्टेट बना सकते हैं ना ही किसी दूसरी स्टेट में जोड़ सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटी में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, ठीक है। इनका शासन कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, यानी कि अगर हम चाहें कि हम इन अधिकारों को बदल लें, सेंटर को थोड़े और ज़्यादा दे दें या लोकल गवर्नमेंट को थोड़े कम कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन कौन से हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और दूसरा कौन सा है आपका, राज्यसभा, ठीक है। तो ये इन दोनों की मंजूरी के बिना आप कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हमारी
श्री है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में कौन फैसला करेगा? जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। यानी कि टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और एसेट्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना ही नहीं है। हम देख लेते हैं कि कैसे सक्सेसफुल होती है जब संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि ये काम किस तरह से हो पाया। भाषीय राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी हम स्टेट्स को किन बेसिस पर डिवाइड करेंगे? उनकी भाषा के डिवाइड पे बेसिस पे। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार भी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बन गए। नए प्रांतों के सीमाएं क्षेत्र और नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। पहले जो मतलब किसी राज्य को छोटा कर दिया गया, किसी दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना दिया गया, नाम बदल दिया गया, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ सकें। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी कि एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर करने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे क्षेत्र जो है, राज्य जो है, शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। उनको लगता था कि भाषा के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो देश की जो एकता है वो खंडित होगी। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा का राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। यानी कि ये डिसीजन जो था वो सही था। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि एक ही तरीके के लोगों को मैनेज करना ज़्यादा ईजी होता है। भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर थी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा, यानी कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ हमने राजभाषा हिंदी को बनाया गया है, ठीक है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम को अपने आपको अगर बैठना है तो आप इन 21 भाषाओं, हिंदी के अलावा इन 21 भाषाओं में अपने एग्जाम को दे सकते हैं। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। यानी कि पहले हमने डिसाइड किया था 1965 के बाद हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे अपने कामकाज में, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी जो प्रदेश थे उनको फिर डिफिकल्टी होती थी क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इंग्लिश में ही ये सारे कामकाज चल रहे थे, ठीक है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामकाज में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कामकाज सरकार का हो सकता था। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर लोग हिंदी नहीं बोलते सरकार वहाँ पर थोप नहीं सकती कि आपको हिंदी भाषा ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रूप अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच पाए हैं।
केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी या ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, यानी कि वो खुद किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, ठीक है, एक ही पार्टी जो सेंटर में भी चुनाव जीतती थी और राज्यों में भी। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करी, यानी कि जब कभी ऐसा है कि सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई अलग गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को अनदेखा कर देती थी। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में बैठी सरकार के पास ज़्यादा अधिकार होते थे तो स्टेट गवर्नमेंट के को जो है भंग कर देती थी। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, यानी कि नई नई पॉलिटिकल पार्टीज और आने लगी। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन सरकार क्या होती है, देखो, जहाँ कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर अपनी सरकार बनाती है, यानी कि किसी भी एक सरकार पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है इलेक्शन से जब होते हैं, तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार को बनाती है। इसको हम गठबंधन सरकार बोलते हैं, ठीक है। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति बन गई। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया था कि अब केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकारों को भंग नहीं कर सकती है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। अभी जो है सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ भारत में, यानी कि विकेंद्रीकरण कैसे पॉसिबल हुआ। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, ठीक है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बेसिस पे ही अच्छी सरकार हम नहीं चला सकते हैं। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी कि हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो काफ़ी देशों से भी बड़ी बड़ी हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता के बांटने की जरूरत है, यानी कि और भी जो है एक नया लेवल लाने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, सेंट्रल स्टेट के अलावा एक लोकल लेवल पे भी हमने एक नया टीगर जो है इंक्लूड किया है। इसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय सरकार के स्तर की सरकारों से नीचे होती है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप तीनों स्तर की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन, ठीक है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि हमने सत्ता जो है बांट दिया अलग अलग विभागों में, एक ही के पास सेंट्रल जो पावर है वो नहीं कॉन्सेंट्रेट है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, यानी कि लोकल लोग ही अपनी समस्याओं को आसानी से सुधार सकते हैं। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात से भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है, यानी कि लोगों का हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जब वो चीज़ें छोटे लेवल पर होती हैं, ठीक है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। गाँव में क्या होती है, ग्राम पंचायत, शहरों में नगर पालिका, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन
स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और न ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाममात्र का ही हुआ था। यानी कि पहले इनके ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, ना ही इनको ज़्यादा पावर मिलती थी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते थे। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। कब बनाया गया? 1992 में। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी कि अब इनके अपने जो है इलेक्शंस होते हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। उनकी अपनी जो है SC ST की अपनी और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनकी अपनी सीटें जो है इनमें आरक्षित होती हैं। कम से कम एक की नहीं पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। यानी कि कुछ पैसे जो वो उनके पास होते हैं, उनके जो फंड्स होते हैं और कुछ राइट्स होते हैं, वो इनको लोकल गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गाँव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यानी कि वोटिंग जो हमारा यूनिवर्सल अटेंडेंस फ्रेंचाइज है उसके बेसिस पे वोटिंग होती है। यह पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। यानी कि एक जिले की जब सारी पंचायतों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा जिला परिषद बन जाएगा। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उन जिलों के जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। ये अभी हमने गांव का स्ट्रक्चर देखा ना, अब शहरों में भी सेम इसी तरीके से होता है। शहरों में क्या होता है? देखो, शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। यानी कि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो काम वो करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा। यानी कि जितने लोग चुने जाते हैं, 36 लाख लोग, देखो इतने तो आबादी भी नहीं है लोगों कई कंट्रीज़ की। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। यानी कि हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक हुए हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां क्या हैं? कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। यानी कि कागजों में तो काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हम काफ़ी दूर हैं चीज़ों से। ठीक है, पूरी तरीके से जो ये हम जो है संघवाद के यानी कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अभी अचीव नहीं कर पाए हैं।